ओं बागार्थं विवशं प्रुक्तौ बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओं नमो भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय श्रीमन निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। हे दिव्य आत्मन, अपूर्व सुंदर दिव्य अगणारे दिव्यवाणीर ए परिसरको स्वागत जनैला बेले पद्म विगत अध्यायरे आम हूत श्रवण करते पद्मर प्रकार भेद गोटाए पुष्प अनेक जगार शोभा पाए आते जगार शोभा पाए तार परिचय बदली जाए तार ठाणी ता गारिमा ता रूप ता लावण्य ता तथ्य ता तत्व सबकि बदली जाए। यही पद्म उपरे बसिकी से दिन पद्मजनी ब्रह्मा आसी कौटे कि ना क्षेत्र दर्शन करे महत क्षेत्र जो क्षेत्र में मृत्यु परे मोक्षदायी क्षेत्र मृत्यु को अमृतंगमय करिबार क्षेत्र से पद्म जहाँ उपरे ब्रह्मा आसिल जो पद्म को धरिछंती प्रभु स्वयं नारायण निजर एक आयुध भावरे जो पद्म उपरे बसिछंती सकल जगतर पड़िदात्री अन्नदात्री माँ गोविंदांग बिहारिणी महालक्ष्मी ठाकुराणी पुणी जो पद्म सूर्यर किरण पाइले हुए तो विकसित हो सबु जगार ये पद्मर परिचयटा टिके अलग अलग कहीं ये पद्म हूँ ये संसार रे ये पृथ्वी रे एमती एक अद्वितीय सृष्टि जो पद्म भितर अनेक संभावना अनेक संभावना ये प्रभुंकर ये स्वयं नारायणंकर सबुकि पद्म एक मु कहूनी श्रीमद भागवत प्रभुंकर वाङ्मय स्वरूप प्रमाण कर माँ कुंती जेतेबेले प्रभु को स्तुति करिकि डाकिछन्ति प्रभुंकर सबु जागा को पद्म सहित तुलना करबा को गला बेले माँ कुंती कहिछि नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नाभाय नमस्ते पंकजांग्रहे। सबु पद्म नमो पंकज नेत्राय प्रभु हे राजीव लोचन हे विकच राजीव पद्म लोचन तुम लोचन बा तुम नयन हो पद्म तुमर बेकर माला जो माला को परिधान कर पद्म माल पुणी नमो पंकज नाभाय आपणकर नाभि प्रदेश निर्गत हो पद्म जो थे उत्पत्ति होती स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तेणु केड़े महान से पद्म आद्म भितर रही अनेक कथा जहाँ को लेकर ये सृष्टि रे ये संसार भितर ये सनातनी मान पाखे एक पुराण उभा है ता नाम भी पद्म पुराण तेणु ये पद्म भितर जी संभावना ये संभावना को दृष्टि रखी हुए तो उत्कलीय काव्य परंपरार भक्त कवि भाव निजक प्रतिष्ठित करिपारिथिबा भक्त कवि मधुसूदन राव से दिन तांक भाषा रे कहिथिले पंकज अटु बोली तेणु भरोसा तोपरी शुभ्र हेबी लभी सुदशा रे पद्म पंकरु जात हेचु पंकटा हुए तो कालीमामय पंक भितरे एते बड़ सुंदर सृष्टिर उपस्थापना एक हुए तो विश्वस्रष्टार गोटाए निर्दिष्ट सृष्टि बोली कि धरि नबाक पड़िबो काहेकि ना पंकर रूप को देखिले बा पंक को हाथ में धरिबा पई केहि मध्य निजकु ठीक बोली भावेनि बा निजे ताको आग्रह सहित केहि पंक नैकि देहरे बोली ही पड़ेनि काहेकि ना पंकटा होचि कला कालीमामय तेणु गोटाए कला कला कलंक को देहरे बोली हेबापाई कहीं के चाहे किंतु से ही कालीमा भितर जो पद्म विकसित हुए पद्म हुए तो समस्त जनमन हरण कै आई पद्म दरकार पड़े सृष्टिर संभावना भितर गोटाए जीव को बचे रखार सहायक पुणी यही पद्म भितर रही प्रीतिर बार्ता रही कीर्तिर बार्ता रही शांतिर बार्ता रही मैत्रीर बार्ता सेथिपाई ये भारत पद्म को जातीय पुष्पर मान्यता देछि।
तेणु ये जातीय पुष्प पद्म सकल जगत रे जिते जगार जो शोभा नुआ नुआ परिचय शोभा ते कौन ता परिचय से कथा निश्चित जानिबार कथा ब्रह्मांक हस्तरे शोभा पाउथिबा पद्म को आम कौन कहू भगवान नारायण हस्तरे शोभा पाउथिबा पद्म को कौन कहू पुणी जहाँ उपर माँ महालक्ष्मी बसंती कौन कहा जाए आ सूर्य उदय जो पद्म फुटे सेतेबेले से पद्मर परिचय कौन थाए गोटाए पुष्प किंतु भिन्न भिन्न परिचय शुणतु मन देकरी कहला द्रुत श्रवाज जगदीश भुजई विश्वम्भरा भार्गविवास पद्म बृतद्भवाब्ज द्रोहितांच वास रवि प्रियाजो मुरमाख्य नाम कहला द्रुतत् श्रवाब्ज जगदीश भुज्जई भगवान नारायण जो पद्म को धारण करती तांकर ना होचे द्रुत श्रवा सेतेबेले से पद्मर नाटा हो जाए द्रुत श्रवा एवं केते गुड़िए पुराण मध्य याको किंजोलिनी बोलिकरी कहंती तबे से द्रुत श्रवा आउ किंजोलिनी हुए केतेबेले ना जेतेबेले नारायणंकर हस्तरे शोभा पाउथाय पद्म आउ सेई पद्म जेतेबेले माँ महालक्ष्मी ठाकुराणी सकल जगतर अन्नदात्री पड़िदात्री माँ गोविंदांग बिहारिणी लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमलाश्री हरिप्रिया इंदिरा लोकमातर माँ क्षीराब्धी तनया रमा जेतेबेले ता उपर उपवेशन करती ता ना हे जाए विश्वम्भरा भार्ग विवास पद्म पुणी जेतेबेले एई पद्म ब्रह्मांकु स्थान दिए पद्मजनी जहाँ उपर बसंती ता ना होचे बृतद भवा पुणी एई पद्म जेतेबेले सूर्यंकर किरण पाई पुष्करिणी रे फुटी उठे ताकू कहा जाए मुरमाख्य बोली तेणु ये हूँ पद्मर परिचय तेरे से ही पद्मर परिचय भितर ये जगत ये पुष्पटी को यही मान्यता देखिए पुष्पटी शिखबार कथा हूँ कौन ना जदि भी ये पुष्पर उत्पत्ति स्थलटा कालिमामय जदि भी ये पुष्पर उत्पत्ति स्थल कौन सी प्रकार मूल्य न थाए ताकू कहीं मूल्य देकर किणिनेवा को चाहे जो पंक समस्त हुए तो वर्ज्य वस्तु किंतु से वर्ज्य वस्तु भितर उत्पत्ति लाभ करी सुधा निजर सौरभरे निजर शक्ति बलरे निजर पारदर्शिता बलरे ये जगतर मनोहरण करी पारे तेणु से पद्म भितर अनेक विकसित संभावना को आम देखुला बेले हे दिव्य आत्मन आपण मानी दिव्यवाणी रही जो निर्देश ये निर्देश हूँ या संभावना बा सृष्टिर सृष्टि होता अनेक किसी पदार्थ हुए तो निजर उत्पत्ति स्थलटा भल हो न थाई पारे निजर उत्पत्ति स्थल कालिमा थाई पारे कला रंग थाई पारे कलुषित थाई पारे किंतु जेतेबेले तार विकास लाभ करिबार समय आसे जदि तार विकासर समय रे से सौरभर किरण को विच्छुरित कर दिए ज्ञान रे हो आदर्श रे हो बा निजर स्वकीय गुणवत्ता रे हो जदि जगतर मनोहरण करि पारे तबे जगत ताको उच्च स्थान दिए एई कथा आमे हुए तो पद्मर चरित्र शिखिचु बा पद्म फूल पाखरु आमे एई कथा को ग्रहण करि नैचु सेइथिपाई ये पद्म होउछि जातीय पुष्प आउ ये पद्म भितरे प्रीतिर बार्ता अछि ए पद्म भितरे कीर्तिर बार्ता अछि ए पद्म भितरे शांतिर बार्ता अछि ए पद्म भितरे मैत्रीर बार्ता भी लुचिकि रहिछि तेणु ए पद्म ता महानता को परिप्रकाश करिथला बळे आजिर अध्याय स्वरूप आमे हुए तो आपण मानक ये पद्मर महिमा शुणु आउ ये पद्म महिमार शिखबार कथा होचे या जानिबार कथा होचे या निज जीवन को पद्म भली विकसित कर सुरभित कर आउ पद्मर आकार प्रकार भली पद्मर जो सौंदर्यता अच्छी से ही सौंदर्यता भितर जदि जीवनर विकसितता को निजे परिप्रकाश करिपारिबा तबे निश्चित भावरे ये पद्म भली निजर गुण गारिमा कीर्ति शांति मैत्री प्रीति ये सबू भावधारा विकसित हो उठिबो ये होची पद्मर शिक्षा से हुए तो भक्त कविंकर आशा थिला रे पद्म पंकरु जात होइछु बोली तो पाखरे मोर भरोसा तेणु तू ही मो जीवनर सौरभता को परिप्रकाश करिबु बोली आशा आ भरोसा प्रकट करथिले से दिन भक्त कवि मधुसूदन राव तेणु से ही भावनार उचाट भितर जेतेबेले आगकु आमे बढ़ुचे से दिन पद्मजनी ब्रह्मा पद्म आसन उपरे बसी हुए तो निजर बाहन हंस को साथीरे धरी दुई जण ऋषि
दुई जन ऋषि जड़े होचंती सांबादिक नारद जड़े होचंती किए ना मार्कंडेय महामुनि ये दुई जन को लेकर चली कौटि की ना क्षेत्र दर्शन करेंगे बोली केमितिका क्षेत्र ना मुक्तिप्रद क्षेत्र मुक्तिदायी क्षेत्र जो क्षेत्र महिमा अमृतंगमय महिमा जो क्षेत्र में मुक्ति मिलबार बाट अच्छी जो क्षेत्र में जी भी जाए जो प्रकार से क्षेत्र में पाद थापी दे मुक्ति सुनिश्चित तेना गोटाए मुक्तिर मार्ग खोजा को गला बेले से दिन भगवान नारायण जो बाट बतई से बाट को अनुसरण करी चली किए ना पद्मजनी ब्रह्मा बाट कढ़ नारद और मार्कंडेय ब्रह्मा जाकि पहुँचिले अगनाग्नि वनस्थ गोटाए विशाल पहाड़ गुंफा आई गुंफा भितर सम्मुख भाग रही गोटे विशाल बट वृक्ष जहाँ हूँ आम पुराण आम सनातन धर्मर धर्म साक्षी आम सब ना दे कल्प बट मन वांछित बांछा को पूरण करे बोली कल्प कल्प धरी विराजमान करी बोली ता ना हुए तो कल्प बट से कल्प बट टी आगे अच्छी बट वृक्षर सुशीतल छाय विशाल घंच वन प्रदेश अगनाअग्नि वनस्थ ता भितर गोटे सुशीतल गुंफा आ गुंफा भितर प्रभुंर दिव्य रूपर वातावरण से दिव्य रूप को दर्शन करने पूर्व ब्रह्मा जोबले पहुँची जा देखुं ये तो से नीलकंदर ये से मर्त्य वैकुंठ जहाँ शुणी आज सोचक्षुर देखुं ब्रह्मा मन को आ संभा पारे हृदय व्यग्रता को परिप्रकाश करने को आय दे पारे निजे पितामह ब्रह्मा गुंफा भितर पशिगले गुंफा भितर पशि जाए जो अपूर्व कांतिर रूप को दर्शन कले हाथ जोड़ी करी स्वतस्फूर्त भाव से दिन ब्रह्मा गाइले श्री नीलकंदर दरी बिलसत हरिंद्र नीलाब्ध कांति ममराधिप वंद्यमानम नीलाश दीप्ति मनीष पतिताली पालं श्रील माधव महं शरणं प्रपद्ये श्रील माधव महं शरणं प्रपद्ये नील माधव रूप अपूर्व कांति झटकुची से रूप रे चक्षु सते जमिति विस्फारित भाव रे आह्वान र मुद्रा रे निमंत्रण जनाउची आस आस बोली सुंदर कुंचित नील केशराशि आजानुलंबित बाहु चतुर्भुज मूर्ति नीलबाधव को देखीदेला ब्रह्मांकर अंतरात्मा भितर गोटे आवेग सृष्टि हला जो कथा शुणिकी आसीथिले जो मार्ग खोजुले जो बाट खोजुले जो क्षेत्र खोजुले से दिन पितामह ब्रह्मा हुए तो से माटी रे पाद थापी देला से गुंफा भितर प्रभु को स्मरण कर मनन कर दृश्यमान देखि सारा शरीर में खेलीगला विद्युत रेखार शिहरण नमस्कार करी ब्रह्मा हाथ जोड़ी करी देखिले कहले प्रभु विचित्र तुम सृष्टि वैचित्रमय तुम्हें दिय आई भावनार उच्चाट भितर से दिन हुए तो क्षेत्र परिचय पाई ब्रह्मा आग को जहाँ घटव निश्चित भाव में आपन को जनइबू धारावाहिक भाव आज हुए तो समय इंगित कार्यक्रम को यही रखुचु नमस्कार।